भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच का तीसरा दिन अभी तक टीम इंडिया के नाम रहा है। करीब दूसरा सेशन अब खत्म होने जा रहा है और भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी की है। जी हाँ, रोहित शर्मा जहां 94 रनों पर नाबाद है, वहीं चेतेश्वर पुजारा 46 रन बनाकर नाबाद है महज 76 गेंदों। आपको बता दें कि रोहित और पुजारा के बीच हो गई है 102 रनों की साझेदारी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मैच में कर ली है जबरदस्त वापसी। भारतीय टीम को शुरुआत राहुल और रोहित ने अच्छी दिलाई थी, 86 रन के स्कोर तक टीम इंडिया आराम से पहुंची और उसके बाद भारत को पहला झटका लगा। लेकिन उसके बाद जब लीड को बढ़ाने की दरकार थी तो भारत की तरफ से यहां पर रोहित और पुजारा ने धीरे धीरे मैच को आगे ले जाना शुरू किया। चेतेश्वर पुजारा अपने नेचुरल गेम से उलट ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं रोहित ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। अभी तक यहां पर टीम इंडिया ने जबरदस्त अंदाज में खेल दिखाया है। अमूमन में हम देखते हैं कि भारत पिछले जिस टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से खेल रहा था, भारत का मिडिल ऑर्डर एक अलग दिख रहा था, लेकिन आज रोहित की तूफानी बैटिंग के बाद चेतेश्वर पुजारा ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। हालांकि पुजारा को चोट जरूर लगी मैदान पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोहित का बखूबी साथ दिया है अभी तक। ऐसे में ये देखना होगा कि भारतीय टीम और यहां से कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है। अगर इंग्लैंड को हराना है तो भारत को कम से कम 400 रन यहां पर बोर्ड पर लगाने होंगे, और जिस हिसाब से भारत का स्कोर फिलहाल है उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर भारत को एक अलग प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से अप्रोच करती है। एक बात तो तय है कि भारत को यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट खेल भी दिखाना होगा। इस बीच पुजारा और रोहित के बीच जो साझेदारी है, उस साझेदारी ने मैच का रुख पूरे तरीके से पलट कर रख दिया है। उसके बाद ये भी बात तय है कि टीम इंडिया को यहां से एक बड़े पारी की भी ज़रूरत है, और वो पारी रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जिसकी बदौलत अब यहाँ पर भारत को एक अलग तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ANP न्यूज़ रूम की